तो आज की वीडियो में मैं लेकर आ गई हूँ कि ब्रेड सैंडविच कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कुछ वेजिटेबल्स के स्लाइसेस काट लिए हैं पतले पतले, जिसमें कुकुम्बर है, टमेटो है, अनियन है, और ये मैंने चॉप कर लिया है चॉपर से, शिमला मिर्च। और ये देखिए, ये मैंने आलू की टिक्की बना ली है, इसमें मैंने डाला है बीट रूट, एक हरी मिर्च और आलू और नमक। इसको मैश करके ऐसे टिक्की बना लिया है। तो हम लोग क्या करेंगे, टिक्की को पहले तेल लगा कर थोड़ा सा थोड़ा सेक लेंगे दोनों साइड से। तो यहाँ पे मैं तवे पे लगा दूँगी सरसों का ऑयल। अगर आप लोग को बटर पसंद है तो आप लोग बटर भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं ऑयल लगा के सेक रही हूँ। और इसको थोड़ा सा हम लोग क्रंची सा सेक लेंगे, और थोड़ा मोड़ा बस उसका जो कच्चापन है पोटैटो और बीट रूट का, वो थोड़ा चला जाए। तो इस तरह हम लोग सारा सेक लेंगे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना। और जिन्हें बीट रूट पसंद नहीं है, वो इस तरह से बीट रूट भी चला जाएगा, क्योंकि बीट रूट बहुत लोगों को पसंद नहीं आता है, लेकिन मुझे भी पसंद नहीं आता, लेकिन मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे पता है कि ये फ़ायदेमंद होता है। तो यहाँ पर मैं कर ली हूँ बीट रूट को सेक ली हूँ। अब देखिए, अब आते हैं हम लोग अपने ब्रेड पे। तो आप तो घर में भी ग्रीन चटनी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर रेडीमेड टमाटो सॉस रखी हूँ और ग्रीन चिल्ली रखी हूँ। तो यहाँ पर एक ब्रेड में मैंने टमाटो सॉस और ग्रीन चिल्ली लगा लिया है। और उसके बाद हम लोग करेंगे इसमें जो आलू की टिक्की बनाए हैं, उसको हम लोग यहाँ पर लगा लेंगे। इस तरह से हम आलू की टिक्की को प्रेस करके लगा लेंगे। और इसके बाद हम लोग सारे वेजिटेबल्स के एक एक स्लाइसेस रख लेंगे। तो यहाँ पे मैंने टमाटो रख लिया, यहाँ पे कुकुम्बर रख लिया और एक अनियन। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो दूसरा, आप एक से अधिक वेजिटेबल भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने सारा वेजिटेबल अरेंज कर दिया है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, दूसरे ब्रेड में जो मेयोनीज़ आता है वो मेयोनीज़ लगा लेंगे। और यहाँ पे मैं ये छोटा वाला एक, क्या बोलते हैं इसको, चीज़, हाँ चीज़ लेके आई थी, जो 17 रुपये में मिलता है, क्योंकि मेरे पास फ्रिज नहीं है तो मैं स्टोर करके नहीं रख सकती हूँ, तो मैं एक ही बार लाती हूँ और एक ही बार यूज़ करती हूँ। यहाँ पे मैं मेयोनीज़ लगाना भूल गई हूँ, लेकिन इसके जो सेकंड वाला जो ब्रेड का पार्ट है उस पर हम लोग मेयोनीज़ लगा लेते हैं। और इसको हम लोग तवे पे सेक लेंगे। बहुत लोगों को बटर पसंद है, लेकिन मुझे बटर नहीं पसंद है, तो मैं ऐसे ही सेक रही हूँ। देखिए मैं भूल गई थी, तो मेयोनीज़ को मैं इस पर अभी लगा रही हूँ। इससे क्या होता है ना कि थोड़ा ब्रेड जो होता है, थोड़ा सा, क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा मतलब अच्छा हो जाता है, मतलब सॉफ्टनेस, उसमें सॉफ्टनेस आ जाती है थोड़ी सी। तो यहाँ पर हो गया, ये देखिए यहाँ पे अरेंज कर लिया है मैंने। तो चलिए अब मैं इसको कट करके दिखाती हूँ। ये मेरा ब्रेड पूरा सिक गया है। आपके पास अगर ओवन है या टोस्टर है तो आप उसमें भी इसको सेक सकते हैं। मैं तवे पे ही सेक ली, और मुझे ऐसा थोड़ा जला जला हुआ पसंद है। तो ये देखिए, ये एकदम मस्त सा हो गया। और ये क्या है ना, ये ऐसी रेसिपी है कि ये क्विकली बन जाता है, और आप कहीं अगर जर्नी पे जा रहे हैं तो इसको लेके जा सकते हैं, तो थोड़ा आपका मूड भी चेंज हो जाएगा खाने में, और काफ़ी यम्मी बना था। एक बार आप ज़रूर ट्राई करें।